Hey, how's it going, everyone? My name is Madhip and welcome back to Hemlands. हमारा एक बहुत ही प्यारा सा वर्ल्ड जिसके अंदर आजकल बहुत ज्यादा तबाहियां मची हुई है गाइस। आजकल गाइस हेमलैंड्स के वर्ल्ड के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद चल रहा है, जो कि गाइस होगा लाला द एंटिटी को इस सर्वर से बाहर निकालना। वो एक अननोन एंटिटी है जिसने गाइस हमारे इस वर्ल्ड के अंदर आकर तबाहियां मचाई हुई और हम सभी लोगों को मारना चाहता है और अपनी 10,000 की आर्मी के साथ हमारे पर हमला करना चाहता है ताकि परमानेंटली हम लोगों को सर्वर के पास से बैन कर सके, हम लोगों को लिटरली मार सके। एंड जो तुम ऐसे नए लोग उनको बता दूं, अगर एक बार हम लोग इस सर्वर के ऊपर मर जाते हैं ना, तो हम लोग इसी हेमलैंड्स वर्ल्ड के डार्क हेमलैंड वर्ल्ड के अंदर रिस्पॉन हो जाते हैं, कभी भी हम लोग वापस इस वर्ल्ड के अंदर स्पॉन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उस बंदे को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट एपिसोड में गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोगों को पता चली थी, वो ये थी कि एक बाहर का बंदा, यानी कि जो हम में से कोई एक बंदा है, वो उस एंटिटी के साथ यहाँ पर मिला हुआ है और उस बंदे को सारी के सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता है। हम लोग जितनी मर्जी प्लानिंग करते उस बंदे को कैप्चर करने की, हम लोगों ने उसको नेदर के रूफटॉप पे कैप्चर किया तो उस बंदे ने उनको वहां से बाहर निकाल दिया नेदर के रूफटॉप से और आजाद कर दिया। तो राइट ना जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि उस पर्टिकुलर बंदे को पकड़ कर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उससे बाहर निकालना। उस बंदे को पकड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत ही बिग ब्रेन स्ट्रेटजी बनाई थी, वो ये थी कि हम लोगों को होगा लाला की आर्मी के किसी एक बंदे को गाइस कैप्चर करना। और लास्ट एपिसोड में हमारी आंखों के सामने वो जो एक बंदा हम लोग कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको हम लोग, वो बंदा इस छोटे से चंक के अंदर चला गया। तुम लोग देख रहे हो कितना सारा मैजिकल लग रहा है ये वाला चंक, लेकिन वो बंदा लिटरली मेरी और ड्रीम बॉय की आंखों के सामने इसके अंदर चला गया। एंड इसके अंदर जाने के लिए कुछ एक स्पेशल चीज की हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए हमारे विजर्ड भैया ने हमको बोला कि इसको 2 stacks ऑफ एम्ब्रेल्ड की जरूरत पड़ने वाली है वो पर्टिकुलर चीज बनाने के लिए। तो लास्ट एपिसोड में गाइस मैं अपने उस किंगडम के अंदर गया जिसका नाम मैंने किंग्स लैंड रखा हुआ है, एंड मेरे को वहां पर अपने खुद की किंगडम के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा बैंक है उसके अंदर चोरी करनी पड़ी थी। बहुत ही तगड़े वाली हाइस्ट करी थी हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में। एंड गाइस वहां से मैं इतने सारे ब्लॉक ऑफ एमरल्ड्स लेकर आ चुका हूं। अभी मैं क्या करने वाला हूं, इसको मैं यहां पर 2 stacks एमरल्ड के देने वाला हूं, जिससे ये क्या करेगा गाइस वो पर्टिकुलर चीज बनाएगा भी और इसी वक्त, एंड बनाने के बाद हम लोग इसके अंदर जा पाएंगे, विच इज गुड। और ड्रीम बॉय तो भाई साहब एकदम गुस्सा है भाई, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पर, इस बंदे ने यहाँ पर ये एरो भाई बाहर निकाल के रखा हुआ है कि अगर वो बंदा गलती से यहाँ से बाहर आ गया उसको ठोक देंगे सीधा ही भाई साहब, क्योंकि उस बंदे ने लास्ट एपिसोड में हमारे सामने एक विलेजर को मारा। ड्रीम बॉय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उस चीज के लिए, इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। एंड यो, ये क्या चीज है, टेलीपोर्टेशन वॉन्ड। अच्छा, इस चीज की जरूरत है, रुको मैं ड्रीम बॉय से बात करता हूँ। यो टेलीपोर्टेशन वॉन्ड कितनी मस्त है यार, मुझे लगा था ये बंदा स्कैम करेगा, बट ये लेजिट टेलीपोर्टेशन वॉन्ड है। मैंने कहा तुम लोगों को बोला ना भाई, विजर्ड को एक्चुअली सब कुछ पता है। रुको 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 रुको, विजर्ड भैया इसको मत तोड़ो, अभी मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर चीज बनाने वाला हूँ ड्रीम बॉय, जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, नेदरराइट का इंगेट, और ये पकड़ो भाई साहब आप। अब आप एक काम करो, रुको मैं आपके लिए एक और चीज बनाने वाला हूँ, बिकॉज आपके पास यहाँ पे डायमंड की तलवार है ना ब्रो, एंड डायमंड की तलवार इज नॉट गुड इनफ इन बंदों के लिए, और इसको नीचे लगाऊंगा। अब इसके अंदर आप क्या करो, एक साइड डायमंड की तलवार डालो और एक साइड अपना वो डालो नेदरराइट का इंगेट, और इसको फटाफट अपग्रेड करो यहाँ पे ब्रो। लेट्स गो ब्रो, हो गया, नेदरराइट सॉर्ड। अब आपका भी नेदरराइट की सॉर्ड है, मेरे पास भी नेदरराइट की सॉर्ड है। एंड गाइस जिनको पता नहीं है, ये होगा लाला वगैरह के बंदे डुप्लीकेट जो भी ये लोग है ना, ये लोग सिर्फ नेदरराइट से डरते हैं भाई साहब, उसके अलावा ये किसी से नहीं डरते हैं। तो इनको डराने के लिए हमको नेदरराइट की जरूरत है। ड्रीम बॉय आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी डायमंड की तलवार से लड़ रहा था। सो लास्ट टाइम पे हम लोगों को ये जो नेदरराइट के इंग्रेड्स वगैरह है, ये एंचेंटेड गोल्डन एप्पल है, सारे के सारे नेदर के अंदर मिले थे बैशन के अंदर से। सो ड्रीम बॉय चले ब्रो यहाँ से अंदर। आई एम रेडी, लेट्स गो। आप ऐसा करो, सबसे पहले आप जाओ अंदर, 3, 2, 1 करके प्यार से आना, और अंदर जाओगे ना सुनो, ज्यादा अरे पर हिलना मत, ज्यादा बोलना मत, एक जगह पे क्राउच करके बैठ जाना, मुझे इन्फॉर्मेशन दो अंदर की क्या है। 1, 2, 3 लेट्स गो। वो बंदा चला गया भाई लिटरली। ओ माय गॉड ब्रो, यहाँ पे पूरा का पूरा एक विलेज है, छोटा सा छोटा। हाँ, मेरे को इससे पहले मेरे को नहीं, विजर्ड ने भी कहा यही बताया एग्जैक्टली कि इसके अंदर जब हम लोग जाएंगे तो एक चंक जैसा होगा जिसके अंदर विलेज होगा, ऊपर से नीचे तक नीचे गिरे तो भाई फैदर फॉलिंग 4 भी नहीं बचा सकता, इतनी हाइट का है। चारों साइड से बंद है ब्रो। ओ भाई साहब, इसका मतलब अंदर से बाहर निकलने का रास्ता हम लोगों को शायद से ढूंढना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता भाई अंदर से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे। बट एक प्रॉब्लम होगी ड्रीम भाई, मेरा पूरा आर्मर टूटने वाला यार, इनके साथ फाइट हो। वो अरे भाई थैंक यू, ये क्या ही मस्त बंदा यार, मेरा पूरा आर्मर यहाँ पे रिपेयर हो गया ब्रो। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच ब्रो। ठीक है तो मैं ऐसा करता हूं, मैं अपनी ना कैसे यहां पे इन्वेंटरी को फटाफट यहां पर लिया। क्या यहां पे मेरे को डुप्लीकेट दिख रहे हैं, होगा लाला होगा लाला। मैं आ रहा हूं बस मैं आ रहा हूं, और यहां पे एक घोड़ा भी है यार, मैं पीछे पीछे पीछे, ये तो मुंह के सामने चल रहे ब्रो, पीछे पीछे एकदम छुपे रहो, एकदम छुपे रहो। अरे मैं नीचे गिरने वाला था, आई स्वेयर मैं नीचे गिरने वाला था। यो बच गया, सामने भी देखो एक घोड़ा है उधर। कहां पे? सामने देखो, सामने वाले घर में। बिल्कुल छुप के रहना अभी, छुप के बिल्कुल। रुको रुको रुको, ये मेरा घोड़ा,
ब्रो ये मेरा घोड़ा, आई स्वेर ये मेरा घोड़ा है, उल्टा है ये बंदा, ये मेरा डिनर बोन है, ये डे व्हाट माय गॉड। मैं रुको रुको रुको, ये मैं हमको देख लेंगे भाई, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, इस वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ। यू भगवान डिनर बोन को किडनैप कर लिया है, आई स्वेर ये बंदा मेरा डिनर बोन है। रुको एक बारी, ये हमारी साइड को नहीं घूमे हुए अभी, मैं देखने वालों का, ये उल्टा घोड़ा है भाई, उल्टा घोड़ा इस वर्ल्ड के अंदर ड्रीम बॉय सिर्फ एक है जो कि मेरा घोड़ा है, वो भी डिनर बोन। यो मेरे को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, इन्होंने इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिनर बोन को, भाई इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिनर बोन को यहाँ पर कैप्चर करने की। मैं ना अभी इनके साथ लड़ने जा रहा हूँ, ऐसा पेलूंगा ना अभी मैं इनको, कसम से। अरे नहीं स्मार्टी भाई, अभी हमको इधर से निकलने की सोचनी चाहिए, घोड़े तो बाद में ले लेंगे, उन्हें भी पेल देंगे। भाई मैं घोड़े कैसे भाई, जब तुम लोगों ने मेरे घोड़े चोरी किए थे ना उस टाइम पे, याद होगा तुम लोगों के साथ वॉर छेड़ दी थी ब्रो मैंने। ये तो भाई भूत है, इनको तो मैं कह छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ उनसे लड़ने के लिए अभी। स्मार्टी भाई देखो संभल के यार, पता चले हम भी लुढ़क जाए, घोड़े भी ना मिले। अब तो भाई इनको पेलने वाला हूँ मैं। स्मार्टी भाई नहीं जाना यार भाई, घोड़े बाद में ले लेंगे, अभी निकलने का रास्ता ढूंढो यहाँ से। भाई मैं नहीं, मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता मेरे घोड़े के साथ। अरे नहीं मुंह के सामने है, मेरे को भी ऐसा मन कर रहा है, बहुत जोर का रगड़ू ना इन दोनों को, मार ही दू भाई। कल इसने विलेजर को मारा, हमको कितना गुस्सा आया था। हम आप सोचो ना, फिर घोड़े कैसे आएंगे, अभी रास्ता ढूंढो आप, एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं इधर भाई, रास्ता मिल जाएगा ड्रीम पे। हम लोग आज तक नहीं भरे सर्वर पे यार, अभी तक हम लोगों ने इतना सर्वाइव किया ना, इनको रगड़ के सर्वाइव हम लोग और कर ही देंगे कुछ ना कुछ। मुझे कभी इतना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं देखा मैंने, आप आओ ना, क्यों ही नहीं मान रहे आप। अब भी और शिव मैं जा रहा लड़ने के लिए, आपने आना है कि नहीं आना है, लेट्स गो। ऐसी बात है तो चलो, अब चलो आओ इन्हें बता। अरे मेरे को लग नहीं रही भाई, तेरी पैस की आंख, तेरी ऐसी की तैसी पकौड़े, मेरे मेरे ले 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 मेरे घोड़े को चोरी करेगा, इनको डराना है भाई। अभी आप अभी नजर आके शॉट है ना, गिराओ गिराओ, आपको नॉक बैक है कि नहीं है, नॉक बैक है। माय गॉड नीचे गिर गया एक बंदा नीचे गिर गया, आपने ध्यान देना बस, ठीक है ना, आपने नहीं घुसना। नल्ले को भी गिरने वाला हूं मैं, आ जा बेटा नीचे गिराओ नीचे। ओ माय गॉड, अरे स्मार्टी भाई को हाथ लगाएगा तू बेटे, तेरी ऐसी की तैसी, गिरा उसको नीचे। ये बंदा ऊपर से लगा भाई काम करने, बहुत चालू बंदा है। अरे वो नीचे वाला बंदा कहां गया भाई, डर के मारे भाग गया क्या यहां से बाहर है। मैंने आपको बोला है ना ब्रो, यही बंदे हमको यहाँ पर रास्ता देंगे, यही बंदे हमको रास्ता देंगे, ऊपर से नीचे गिराते रहो इनको आप। आजा तेरी ऐसी की तैसी, झिंगे ला ले यार, निकल पकड़े इसको, नीचे गिराते फिर से मैंने भाई। इनको ना मार ही देना आज यहाँ पे, भाड़ में जाए सब कुछ। ड्रीमर सुनो, अभी हमको क्या करना है ना, इनमें से एक बंदे को ना मार ही देते हैं और दूसरे बंदे को कैप्चर करने के लिए बाहर लेके जाएंगे, इस पिंक वाले को मार देते हैं हम लोग। ये चार बार नीचे गिर गया भाई बंदा, मर नहीं रहा लेकिन ये तुम लोग देख रहे कितने मायावी बंदे भाई, 50 ब्लॉक की जंप मारे। सुनो इस वाले बंदे को हमको कैप्चर करना है, जो ये वाला बंदा है, ये व्हाइट स्माइल वाला, ये होला लाला का डुप्लीकेट है, फूला लाला का डुप्लीकेट, मार देते हैं। ये फंस गया बंदा मेरे गेड़े में, अरे नीचे गिर गया। नो यार रोमर ने, आजा पीला वाला, आ पीला इसको ठोकना भाई, इसको मार देते हैं और एक बंदे को अपने पीछे पीछे लेकर आ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे फंस चुके लिटरली। अरे वो पीला नहीं है, वो गुलाबी है स्मार्टी भाई, गुलाबी वाला भाई, आप ही पीला बोल रहे हो इसको भाई, मैं तो नहीं बोल रहा पीला इसको। My God! आजा ब्रो, और मेरे दोनों को नीचे गिर दिया, मेरे नीचे गिर दिया दोनों को। That's good, that's भाई यहाँ देखो मेरे को, मैं कहाँ पर आ गया भाई, यहाँ पे चलांगे मार मार के। Oh my God, हमको यहाँ पे ब्लॉक्स की ज़रूरत है। Dream Boy हमारी बैंड बच चुकी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इस हेबल के पीछे देखो क्या है। What? Bedrock. Bedrock है इसके पीछे। Oh my God, सुनो अपने हाथ में ना इसको निकाल के रखो, क्या बोलते हैं हेबल्स को, बिकॉज आप नीचे गिरते हो क्लच कर देना, हेबल से आपके लिए 80% डैमेज रिड्यूस हो जाता है। जल्दी आओ इधर, और मेरे पास खाना भी नहीं है ब्रो, मैं गया यहाँ पे यार, मेरा बहुत फालतू का सामान पड़ा हुआ, बहुत फालतू का सामान पड़ा मेरे पास यहाँ पे, मेरे पास। अरे थैंक गॉड मेरे प्लैंक्स वगैरह पड़े, मेरे को लगा प्लैंक्स ही नहीं है। क्राफ्टिंग टेबल नीचे रखेंगे और यहाँ पर अपने लिए खाना बनाने वाला हूँ। जल्दी ब्रो मेरे को भी बनाना अपने लिए खाना, मैंने यहाँ पर अपने लिए पूरे 18 ये बना दिए हैं, इनफैक्ट 21 बना दिए हैं, दिस इज नाइस। फटाफट यहाँ पर बना अपने लिए और मैं इनको रगड़ता हूँ नीचे जाकर, ठीक है ना। ओके भाई मैं नीचे गिर गया था, मैं खुद ही को नीचे गिरा। आ जा बेटे, आजा हुला लाला के चेले, तू आ एक बारी, आजा। ओ भाई, ओ भाई साहब, इसने क्या चलाया मारी भाई, अबे ओ माय गॉड, इसने मेरी शील्ड डिसेबल कर ली थी, इस बंदे को सब पता है यार। आजा बेटे नल, ओ माय गॉड, अरे मैं नहीं, मैं मंडी ब्रो मरे तो नहीं, ओ मैं कैसे नीचे गिर गया, ओ माय गॉड, ये क्या क्लच किया मैंने अभी, ओ माय गॉड इतना ओपी क्लच ब्रो, एक लाइक बनता है इस चीज के लिए, तो कर लो इसी खुशी में 4 लाख लाइक्स। ओ माय गॉड, मेरे को दोनों मार रहे हैं, मेरे को दोनों रॉकेट रे स्मार्टी भाई, जल्दी ऊपर आओ। मैं ऊपर आ रहा हूँ, मेरे को ब्लॉक्स निकालने पड़ेंगे भाई यहाँ पे। ओ भाई साहब यार ड्रीम, अभी ना मैं मर जाता, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ये इतनी ज्यादा हाइट है,
कि हम लोग यहाँ पर बच ही नहीं सकते इससे। मैं फटाफट ब्लॉक्स निकाल रहा हूँ। जल्दी स्मार्ट भाई, एक काम करता हूँ स्मार्ट भाई, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये दोनों भी नीचे आएंगे फिर। नहीं नीचे नहीं फंस जाएंगे, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह, बहुत छोटी। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर अभी फंस जाएंगे भाई, दो मिनट में ऊपर ही रहो। ओह माय गॉड, व्हाइट वाले को रगड़ दिया मैंने व्हाइट। अरे आजा बेटा, कहाँ बच के जाएगा अब। आजा आजा ले। ओह माय गॉड, आ गया आ गया। मैंने व्हाइट वाला नीचे मत आना आपने, नीचे मत आना आपने। इस पिंक वाले को मारना, सुनो ये पिंक वाले, इसको जान से मार देते हैं। और जो दूसरा वाला है ना व्हाइट वाला, अरे उछल रहा है जो दूसरा वाला है ना, सुनो उसको हम लोगों ने कैप्चर। यो ये बंदा मेरे सामने 50 ब्लॉक, 50 तो नहीं 10 से 12 ब्लॉक उछल के गया अभी। यार क्या है भाई ये बंदे, क्या है बंदे। मैं ना सबसे लास्ट से, मैं सबसे लास्ट से ऊपर आ चुका हूँ एंड फिलहाल को मुझे नहीं पता ये लोग कहाँ पर है। यो ओके, मेरे को दिख गया बंदा, मेरे को दिखा पानी से ऊपर के लिए आ रहा है। मैं अपना स्नीक अटैक करने वाला हूँ यहाँ पे, इसकी ऐसे की तैसी। ये पड़ा इसका शॉट। यो यस, चिर गया ब्रो। नो वेस्ट नो वेस्ट नो वेस्ट, पानी खत्म हो गया। ऊपर से नीचे पानी फेंको, जल्दी 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 पानी फेंको, जल्दी पानी फेंको, जल्दी पानी फेंको। फेंक दिया। अच्छा तेरी नल्ले, इसके पाया पे बहुत ही तगड़े वाली स्ट्रेंथ है ब्रो। ये बंदा ना बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है मेरे को। मेरे पास तो यहाँ पर अभी गोल्डन एनचेंटेड एप्पल एक ही पड़ा है, मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। मैं उसका इस्तेमाल फाइनल फाइट के लिए करना चाहता हूँ, ओ लाला के खिलाफ। भाई इसके बाद क्या इनफाइनाइट हेल्थ है यार, इसको मैं रगड़ सकता हूँ। अरे भाई साहब इसको क्या लगती नहीं है शॉट। मैं ऊपर आ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं वेट, अरे मैं भूल ही गया भाई कि ये बंदा यहाँ पे छलांग मार सकता है। ओ माय गॉड, ये मेरे ब्लॉक्स फेस करवा रहा है। ओ भाई मेरे लग चुके भाई, मैं जल्दी हो, मेरे को डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है, वरना मेरे को मार ही देगा। ठीक है मैं नीचे। ओ माय गॉड, ये व्हाइट वाला मेरे साथ। जल्दी 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 जल्दी। ओके मैं नीचे आ रहा हूं। निकल पकड़े। ओ किधर हो माय गॉड, नीचे आ, नीचे पानी के साथ नीचे आओ, मेरे को डिस्ट्रैक्शन चाहिए, मैं मरने वाला नहीं तो अभी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरी हाफ हेल्थ बची सिर्फ। जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो, कुछ भी करके ऊपर आ जाओ, कुछ भी करके ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर निकल। अरे मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता यार, यहाँ पे मेरे को लड़ना पड़ेगा। अपनी हेल्थ बनाओ आप, निकल 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 निकल, आजा आजा आजा। अरे आपके पीछे दोनों पड़े भाई, ये क्या मजाक है ये। आप ऊपर जाओ, ऐसा करो सुनो, आप ऊपर जाओ, मैं ना ब्लॉक ब्लूक लगा के कुछ ना कुछ करके मैं ऊपर आ ही जाऊंगा। आपके पीछे दोनों बंदे, इसकी ऐसी की एक को मैंने आपके पीछे हटा दिया है, एक को मैंने आपके पीछे हटा दिया है। आजा, अरे यहाँ पे पानी नहीं होता ना ब्रो, तो ये जलते हैं एक्चुअली, ये पानी की वजह से बच रहे हैं। आजा आजा आजा, कितना तेज है बंदा, ये बंदा बहुत तेज है। यस, अरे भाई साहब, नो वेज नो वेज नो वेज नो वेज, मैं ना यहाँ पे लिटरली फंस चुका हूँ। यो ये बहुत छोटी सी जगह लड़ने के लिए यार, परे भाग भाग के लड़ने की आदत है तेरी ऐसी की तैसी। अरे भाई मैं ऊपर आ गया फाइनली, मैं ना अभी बहुत ही कम हार्ट पे, 3 हार्ट पे हूं। मैं आप कहां पे हो? मैं बिल्कुल ऊपर जा रहा हूं, पे हूं बिल्कुल ऊपर, वहीं पे दिख जाऊंगा। अरे क्या सर पे ये बज रहा है, अरे भाई पूरा का पूरा घर है सर के ऊपर, हद है भाई साहब। ओ भाई आप कहां पे हो, आप कहां पे, आप कहां पे, खाना खाओ जल्दी, हील करो खुद को भाई। फुल हेल्थ, फुल हेल्थ, फुल फुल फुल। ओके 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 ओके, मैं घर के अंदर जा रहा हूं, मैं घर के अंदर जा रहा हूं अभी। मैं चाहता हूं कि बस ये लोग मुझे ना देखे। मैन संभल के स्मार्टी भाई, संभल के। अरे देख लिया इसने मेरे को भाई, क्या है भाई आदमी। ओ माय गॉड, मैं नीचे ही गिर रहा हूं, बार-बार क्लच ही हुआ मुझसे अभी यार, मैं नल्ला हूं यार, मेरी साइड यार। पता ये दोनों आपको ही रगड़ने में लगे हुए हैं, इन्हें पता है अगर ये आपको मार देंगे तो इन्हें क्या मिलने वाला है। मैं अभी इससे नहीं मरने वाला, अभी नहीं मरूंगा मैं। कम ऑन कम ऑन, अरे पानी की वजह से ब्लॉक प्लेस ही नहीं कर पा रहा हूं यार, मैं क्या ही करूं मेरे को बताओ। तेरी पकड़ है दीवार के सहारे। अरे दीवार के सहारे तो मेरी स्पीड कम हो रही है मैन, भाई मेरे नीचे आ रहे, मतलब हाथ खोल के यार। रुको मैं आता हूं, मैं आता हूं, मैं आता हूं, रुको। इसको एक शॉट मारो, इसको एक शॉट मारो, कुछ बजे ऊपर ही चला गया बंदा भाई। अरे इस बंदे कहां पे, ये भी सांस ले सकते पानी के नीचे। इस बंदे को डैमेज कर रहा हूं, ऊपर आओ ऊपर आओ, सबसे टॉप पे जाना हमको। हम लोग सबसे टॉप पे आ चुके हैं, हाई ग्राउंड्स इज ऑलवेज गुड बाय इन फाइट्स के बीच में।
जल्दी जल्दी इस घर के अंदर आओ, इस घर के अंदर आओ जल्दी। सुनो, ये फाइट यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगी, ये फाइट कभी यहाँ पर खत्म नहीं होगी, आई एम 100% श्योर। ये देखो यहाँ पर आ गया था, यस, नीचे गिर गया, दैट्स गुड मैन। जल्दी से ड्रीम बॉय, जल्दी से आजा, इसको नीचे गिराऊंगा मैं, इसको नीचे गिराऊंगा मैं अभी, यस, जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो, अंदर आओ। सुनो, क्रैंक ऑब्सीडियन पकड़ो मेरे को, क्रैंक ऑब्सीडियन मेरे को पकड़ो, अभी दिखा, कितने आपके पास, कितने हैं आपके पास? अरे गेट क्यों खोल के आ रहे हो, जल्दी दो, मेरे को स्टैक है, लो आधा आप रखो, आधा मैं देता हूं, आ जाओ, और खुद को यहाँ पे आप बंद करना स्टार्ट कर लो, ये बहुत जरूरी है, ये बंदे इसके अंदर नहीं आ सकते हैं। पहली साइड से लगाओ, पहली साइड से लगाओ, दूसरी साइड से लगाओ, और इधर यहाँ पर खुद को कैप्चर करो, जल्दी 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 जल्दी। अरे यहाँ क्यों लगा रहे हो मेरे को, छोटी जगह पे बंद कर दिया आपने, क्या कर रहे हो? कूद के आ जाओ ना जल्दी, कूदने का टाइम नहीं है मैन। अरे आपने परे के लिए, ओ ये ब्लॉक तोड़ रहे से, ब्रो ब्रो ये आजा, ओ ये आ गया, लगा 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 लगा, ब्लॉक लगाने आपने, ठीक है ना। अरे नीचे से आ रहे भाई, नीचे से आ रहे, नीचे से आ रहे, हमारे पास यहाँ पे कमी है इसकी, ब्रो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आधा स्टैक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, ओ माय गॉड, ये बंदा मेरे पास, मेरे पास, मेरे साइड, मेरे साइड, मेरे साइड, मेरे साइड, इसको तोड़ो जल्दी जल्दी, लकड़ी को तोड़ो, लकड़ी को तोड़ो जल्दी, यहाँ पर आप सामने जल्दी प्लेस करो, मैं लगाता हूँ, जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो, जल्दी तोड़ो, यस, ऊपर वाले को तोड़ो, यस, और टॉप में हमारा हर जगह पर कैप्चर हो चुका है, अब यहाँ पर बचा सिर्फ इसको, मैंने यहाँ पे लगा दिया, एंड दैट्स इट, लो, ओके। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो चुकी है कि हम लोग यहाँ पर गाइस खुद को एक जेल के अंदर बंद कर दे, ये लोग यहाँ पर मर नहीं रहे थे, बट हम कैसे निकलेंगे इधर भाई, हमने ना बहुत बड़ी गलती कर दी यार ड्रीम बॉय, जोश जोश में ना हम लोग होश खो बैठे हैं मैन, वो जो गाइस पूरा का पूरा विलेज है ना हमारे वाला, इसके बाहर के लिए ना हर जगह पे यहाँ पे बैड रॉक लगे हुए हैं, हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं मैन, ये बाहर है भाई, पूरा का पूरा घर माइन कर रहे हैं ये लोग, डायमंड की पिकैक्स सुनी होगी ना भाई, इनके पास डायमंड डायमंड का सामान है, नेदरराइट का नहीं रख सकते लोग सिर्फ, पर ये लोग ना क्रैंक ऑब्सीडियन को नहीं खोल सकते जितना मेरे को पता है, आपको बताना क्रैंक ऑब्सीडियन की जेल के अंदर हम लोग इन बंदों को लिटरली यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, बट कैसे हम लोग यहाँ पर फंस चुके बुरी तरीके से मैन, हमने खुद को यहाँ पर जेल के अंदर बंद कर दिया यार, क्या करे ड्रीम बॉय, बताओ यार, एक से बात सुनो, ये बंदे भाई सारे के सारे ब्लॉक तोड़ रहे बाहर के, ये हमको लिटरली हवा में खड़ा कर रहे हैं जेल के अंदर, जो हम लोग इनके साथ करना चाहते थे भाई इन्होंने एग्जैक्ट वही कर दिया हमारे ड्रीम बॉय, यो ये लोग हमसे ना गाइस हमेशा एक स्टेप आगे ही होते हैं मैन, ये बहुत ही ज्यादा अजीब हो चुका है, हम लोग फंस चुके हैं यहाँ पर, ये क्या हो रहा है, व्हाट, अरे बिजली कड़का रहे भाई ये लोग बाहर यहाँ पे, एक सेकंड रुको, एग्जैक्टली बिजली कड़का, ये लोग हमको यहाँ पे जेल के अंदर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में मर जाएंगे हम लोग, ये पता क्या करे गाइस, ये लोग हमारे सर के ऊपर बिजली कड़का रहे हैं, एंड आई हैव नो आईडिया व्हाई, लेकिन हमको इससे डैमेज पड़ रहा है, मेरे को मरना नहीं है भाई, ऐसे करके ना हम लोग धीरे धीरे करके इवेंचुअली मर ही जाएंगे, ये लोग हाँ इसको डाल कर रखो, क्या पता से बच जाए, अरे भाई डैमेज अभी पड़ रहा है इससे, पानी डाल, पानी डाल, बहुत अनोइंग है, ओह माय गॉड, अरे मर जाएंगे भाई ऐसे करके, पानी हटाओ आप अपना, अरे भाई हमको एक्चुअली डैमेज पड़ रहा है इससे मैन, मेरा वन एंड हाफ हार्ट चला गया भाई, मेरा वन एंड हाफ हार्ट चला गया ऑन द स्पॉट अभी जस्ट, ओ माय गॉड, हम लोग फंस चुके भाई यहाँ पे, ये हमको प्रिजन के अंदर भी मारने की ट्राई कर रहे हैं मैन, बिजली कड़क रही लिटरली, मेरे को दिखी अभी भी यहाँ पे भाई, दिखी मेरे को, यो ओ भाई मैं भी एक्चुअली डरा, मैं भी एक्चुअली डरा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड यार भाई, मैं तो अपना गोल्डन एंचेंटी रैपल नीचे निकाल रहा हूँ, इससे मैं एटलीस्ट थोड़ी ज्यादा देर तक यहाँ पे जिंदा रहूंगा, ब्रो ये बहुत अजीब है, मेरी बहुत ज्यादा हेल्थ जा रही है यहाँ पे, मैं मर सकता था अभी, माय गॉड, आपकी हेल्थ कितनी आप ये बताओ, पानी के बीच में थोड़ा कम हमको डैमेज पड़ रहा है, दिस इज गुड, पानी डाल के रखो, मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 6 हर्ट है ब्रो, खाना खाओ, खाना खाओ फटाफट, खाना खाओ भाई, इन बंदों ने गाइस हम लोगों को जेल के अंदर मारने का तरीका भी ढूंढ लिया यहाँ पे, मैं मरने वाला हूँ एक्चुअली, यो ब्रो, अरे भाई साहब ये क्या ही कर रहे हैं भाई, ये बंदे बहुत अजीब हो चुका है यार, ये बहुत अजीब हो चुका है यार, मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ सर, सीरियसली हम लोग यहाँ पे इवेंचुअली गाइस मर ही जाएंगे कभी ना कभी, अरे ब्रो मैं मर ही जाऊंगा, व्हाट यो ब्रो, मैं बाहर आ गया स्मार्टी भाई, कैसे, अरे वो बॉन्ड पे आप राइट क्लिक करो, कौन सी, अच्छा यस, ओ माय गॉड, ये विजर्ड इतना जेब, तो हमें बता नहीं सकता था कि राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे, इसलिए नहीं बताया हमें,
इस टाइम भी नहीं, हम लोग वहां पे मर रहे हैं, डर रहे हैं। हम लोग ऐसा मत करो भाई, गुस्सा आ जाएगा, इसको वन शॉट मार सकता आपको ये। नहीं नहीं, हम लोग वहां पे गाइस कितना डर गए थे अभी, मेरे को लग रहा था कि हम, क्योंकि हम लोग वहां फंस गए थे, बाहर जाएंगे उन्होंने पूरा का पूरा घर तोड़ दिया। हम लोग ऐसे लटके थे, हैंगिंग गार्डर पे लटके थे अभी हम लोग गाइस। एंड अगर हम लोग वहां से बाहर जाते हम लोग ऐसे ही मर जाते, एंड बिजली मार मार के उन्होंने हमें ऐसे ही मार ही देना था भाई, कभी ना कभी तो खाना खत्म हो ही जाता ना सारा का सारा। लेकिन गाइस हम लोग लिटरली बच चुके। मैन आपने तुक्के में कर दिया आपने चाहे ना ब्रो, मैं ऐसे ही हो गया, बस ऐसे ही मैंने क्लिक करा नॉर्मल वे में। भाई साहब यार मेरे को रोना आ गया था कसम से, इतना इजी था भाई यार। लेकिन हम लोग फंस चुके गाइस। देखो अभी एक दिक्कत ये हो चुकी है कि ये जो बंदे है ना, अब इनको यहाँ से बाहर हम लोग कैसे निकालेंगे, अंदर बहुत ही ज्यादा कन्फाइंड है, बहुत छोटी सी जगह है, वहां पर मुझे लड़ना इज लाइक इम्पॉसिबल मैन। दो तीन बार तो मैं ही बचा भाई मरते मरते, सीरियसली बता रहा हूँ। तो भाई अब यहाँ से हमको इनको बाहर निकालना है, तो भाई विजर्ड ही हमको कोई ना कोई यहाँ पे बता सकता है भाई। तो मैंने भी यहाँ पे विजर्ड से बात करी और इसने मेरे को और ड्रीमबॉय को एक बहुत ही खतरनाक सी बात बताई है। इसने हमें पता क्या बोला गाइस, इन लोगों को यहाँ से बाहर निकालना इज इम्पॉसिबल, ये खुद से बाहर नहीं आएंगे, ये बंदे डुप्लीकेट्स और जो इनके असली मालिक है होगा लाला एंड हुला लाला, ये सारे के सारे बंदे अंडरग्राउंड है। इनको जो हुक्म मिला हुआ है ना मेन एंटिटी की तरफ से जो डार्क एमलैंड के अंदर है, वो ये मिला है कि अंडरग्राउंड हो जाओ, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन हम लोग यहाँ पे एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, हमारी 10,000 की जो आर्मी है कंप्लीट हो जाएगी 100%, एक बार में हमला करेंगे सर्वर क्रैश हो जाएगा, ये लोग कभी खेल ही नहीं पाएंगे। और हम लोग तो भाई क्रैश हो चाहे ना हो, ये लोग इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये इनका गाइस मेन प्लान है। तो मेरे को विजर्ड ने बोला कि अगर हमको इनको यहाँ से बाहर निकालना है ना, तो कोई एक ऐसी इनकी एक ऐसी चीज की हमको जरूरत पड़ने वाली है जो बहुत ज्यादा प्रेशियस है इन लोगों के लिए। मतलब तुम लोग ये मान के चल लो कि जैसे तुम लोगों के लाइफ में कुछ तुम्हारा बहुत ही प्रेशियस होता है, उसके लिए तुम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इन बंदों का कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे प्रेशियस चाहिए होगा, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस। एंड मेरे को भाई नो आइडिया फिलहाल, को मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। ड्रीम भाई आप बताओ, आपके दिमाग में कुछ ऐसा है इनका कुछ ऐसा प्रेशर जो हमने देखा है भाई आज तक यार? बिजली कड़क रही थी, क्या वो लाउड नॉइज नहीं थी? वो बहुत ही लाउड थी, मुझे डर लग रहा था भाई ये लोग उससे डर नहीं रहे। तो फिर मतलब ऐसा है, जब भी अपने एरिया में होते हैं तो किसी भी चीज से नहीं डरते हैं, किसी भी चीज से डरते नहीं है। इनकी बेसिकली अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ये वो है बेसिकली, वो वाली कहावत यहाँ पर सही हो रही है। बट एक चीज है मैन, ऐसा क्या हो सकता है प्रेशियस इनका जो भाई हम लोग यहाँ पे लेकर आ सकते हैं एंड इनके यहाँ पर बैंड बजा सकते हैं? सोचो भाई आप यार, लेजिट मेरे को नो आइडिया कि अभी हो क्या सकता है, थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा हम लोगों को। अब गाइस हम लोगों को ना पूरा पास खोद कर निकालना पड़ेगा कि ऐसा आज तक हम लोगों ने क्या किया है, कहाँ पर गए हैं, कहाँ पर क्या किया है। ओ ड्रीम बॉय, वो वाली प्रिजन जिसके अंदर आपको डाला हुआ था, वहाँ एक बिल्ला था 303 वाला, याद है? हाँ, था। तो वो वाला जो बिल्ला है ना, वो उस जगह पे रखा था जहां पर वो आपको उस वक्त भेज रहा था जब आपके सर पे वो पंपकिन लगा था, डार्क पंपकिन। मेरे को लग रहा है ना वही बिल्ला इनका बहुत ही खास बिल्ला होने वाला है। एंड उस बिल्ले को उठा के लेकर आते हैं ना भाई, क्या बोलते हो आप? अरे उसको जेल से कैसे निकालेंगे हम लोग, वो जेल तो टूटती ही नहीं है। ओ यार ये अलग ही स्यापा हो गया, वो जेल का कैसे एक भी ब्लॉक टूटता नहीं है यार, अगर वो टूटता नहीं तो उस बिल्ले को वहां से बाहर कैसे निकालेंगे, कोई दरवाजा भी नहीं है। या ऐसा करते ना ड्रीम भाई, एक बार वहां चलते तो है भाई, क्या पता कोई बटन हो, लीवर हो, कुछ हो वहां पे भाई, जब तक हम लोग वहां पे इंस्पेक्शन नहीं करेंगे ना, क्या पता कोई पॉसिबिलिटी मिल जाए। अभी हमें चलना पड़ेगा टाइम बाय विजर्ड भाई, बहुत जल्द वापस आएंगे। एंड उसके बाद इनको ऐसे बाहर निकाल के गाइस आज हमको वो इन्फॉर्मेशन निकालने की, वो बाहर का बंदा कौन मिला हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैन। वो सारे के सारे अपडेट्स दे रहा है भाई होगा लाला को हमारे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं। और उसी ने उसको बताया कि भाई ये लोग तेरे को यहाँ पे अभी कैप्चर करने की पूरी पूरी प्लानिंग में है। उस बंदे को गाइस पकड़ के ना अपने नए किंग्सलैंड की जो जेल है ना उसके अंदर डालेंगे, लाइफ टाइम के लिए सड़ा देंगे भाई उस बंदे को, सीरियसली बता रहा हूँ, मारेंगे नहीं उसको हम लोग भाई। लेकिन गाइस तुम लोग कुछ भी बोलो, जो हम लोगों ने फाइट करे ना बंदों के साथ गाइस, वो नेक्स्ट लेवल थी यार। इतनी छोटी सी जगह पर भाई हम लोग कैसे कैसे करके बचे यार, 3-4 इतने ओपी क्लच हुए गाइस। इन क्लचेस के लिए एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, एंड अगर पूरे 400,000 लाइक्स आएंगे ना तो हम लोग और भी ज्यादा ओपी क्लचेस करने वाले फ्यूचर में। एंड गाइस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। एंड ड्रीम बॉय वो देखो मुझे साथ, एक सेकंड रुको, अरे भाई यार नहीं, रुको रुको, छुपे रहो प्लीज छुपे रहो। मैं बिल्कुल भी एक चीज नहीं चाहता ड्रीम बॉय, अभी राइट नाउ मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि हमारे इनके साथ फाइट यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। अरे डरने की क्या बात है, अरे भाई डरने वाली बात की बात नहीं, अरे ड्रीम भाई, भाई क्यों देखो, देखो, सीधा चलते हैं और बिल्ले को पकड़ के ले आते हैं, इन्हें तो रगड़ ही देंगे हम दोनों। अरे जब होगा लाला के कलोन्स को हमने रगड़ा इतने बुरी तरीके से, तो ये क्या है? नहीं नहीं बात वो नहीं, अरे ऐसा लग रहा है कि मुझे देख रहे हैं भाई साहब, एक बंदा ज्यादा हिल रहा है जो दूसरा वाला है जो हिल नहीं रहा था, देख रहा है वो बंदा, ये लोंडी गार्ड कर रहे हैं आई थिंक उस बिल्ली को। एग्जैक्टली आपको पता है
वो बिल्ली बहुत ज्यादा प्रेशियस है और मैं आपको पता है क्यों मना कर रहा हूं इनसे फाइट करने के लिए। सपोज करो आप हम दो इनसे फाइट करते हैं और इन दोनों बंदों ने और दो बंदों को बुला दिया, उन दोनों और दो बंदों को बुला दिया, तो 10 बंदे हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अरे आई एम श्योर भाई, ओनली रीजन इज टाइम वेस्ट हो रहा है भाई। मैं हम इन्हें लुड़का देंगे भाई बड़े प्यार से। ये तो फलाना जी के कलोन्स हैं भाई, मतलब हमने होगा लाला के कलोन्स को मारा तो इन्हें नहीं मार पाएंगे हम। नहीं देखो, मार इनको हम लोग सकते हैं। और आपको ऐसा नहीं लग रहा कि हमको देख रहे हैं ये भाई? मैं छुप के बात कर रहा हूँ। देखो बार ऐसी है हम लोग इनको रगड़ सकते हैं, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हम लोग आधे घंटे तक फाइट करते रहे। टाइम वेस्ट नहीं है, मेरी बात सुनो। हम लोग ने एक बहुत ही बिग ब्रेन स्ट्रेटजी का काम करते हैं, ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में भाई मैं देख रहा हूँ इस वक्त, है ना, उस डायरेक्शन में जाओ कम से कम, लाइक ज्यादा नहीं तो 20 ब्लॉक दूर जाओ। ठीक है, जाओ एक बारी। ओके ओके, आराम से जाओ, दिख के मत जाना बिल्कुल भी नहीं। एक बहुत ही ओपी स्ट्रेटजी है मेरे पास। यहाँ पर कम से कम आप 5-6 TNTs लगाओ और लाइट अप करके मेरे पास आओ फटाफट भागते हुए, ठीक है ना? वेट, आया। अब इससे पता क्या होगा, इससे पता क्या होगा, ये बंदे वहां जाएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हम लोग चुपचाप से बिल्ले के लिए अंदर चले जाएंगे। इनफैक्ट आप थोड़ा सा और दूर जाओ भाई, जितना दूर जा सकते जाओ, इससे क्या हो जाएगा हमको टाइम मिल जाएगा। स्मार्टी भाई मैंने सारे प्लांट कर दिए, लाइट अप करके आऊं भाग के सीधा। भाई दिस इज ऑसम, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, जब मैं आपको बोलूंगा, अभी ये दोनों के दोनों बंदे अरे परे देख रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1, फाड़ो और जल्दी आओ। लेट्स गो, आ गया। जल्दी आओ, जल्दी मेरे पीछे खड़े हो जाओ। नीचे आप इनको, है ना, देखने नीचे आप इनको। चलिए, ओह माय गॉड, मैंने बोला था आपको, मैं रुक गया, रुक गया, मैंने आपको बोला था। यो, दिस इज ऑसम, मेरे साथ रहना, मेरे साथ। नहीं रुक रुक भाई, मैं बिल्कुल ही इधर आओ, साइडों को चलो। और इधर पास में आपको पता नहीं यहाँ पर हमारे को वो कर्स लग जाता है, वो वाला जिससे हम लोग जंप वगैरह नहीं मार। मेरे पास पर्ल्स नहीं है। ओ भाई मैं ध्यान नहीं दिया। अरे ब्रो ये लो ना, मेरे पास पर्ल्स हैं, आप टेंशन भूल रहे हो। भाई थैंक यू, मैं सोच रहा था कि हम लोग अपना मौका गवा दे। जल्दी दो भाई, मेरे को कब 3-4 चाहिए, बस ज्यादा नहीं चाहिए। आपका खुद के लिए है? मेरे पास है, मेरे पास 4 पर्ल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम लोगों को जाना है आगे और बस ऊपर चलते हैं और फटाफट अंदर चलते हैं। ये लोग अब गाइस क्या करने वाले हैं वहां पे, मेरे को जितना लगता है ये लोग उस जगह को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे। एंड इन्वेस्टिगेशन में अगर इनको लाइक 10 मिनट भी लग गए ना, दैट इज मोर देन इनफ। हम लोग यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। फिर रुको एक बार, रुको ड्रीमर, इधर आओ, यहाँ से ऊपर चलते हैं एक बारी, ठीक है मेरे भाई? और यहाँ से हम लोग मारने वाले पर्ल डायरेक्ट ऊपर। कोई भी ब्लॉक नीचे प्लेस मत करना, ठीक है? इनको लग जाएगा नहीं तो। अरे बहुत दूर है ये, बट मैं वही ट्राई करने वाला हूँ। अरे पर्ल पहुंचेगी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, पहुंच गई। ये बहुत औसम था। और बिल्ला भी वहां से अंदर ही है, सीधा पर्ल। भाई दिस इज ऑसम, एकदम कोने पे माना पर्ल, एक भी वेस्ट नहीं होना। क्राउच मत दबाना, लेट्स अ गो, जल्दी आओ, पर क्राउच मत करना। 1, 2, 3 और ओके एक सेकंड रुको, एक चीज का ध्यान तो दिया ही नहीं, इसको पकड़ने के लिए लीश भी तो चाहिए हमारे साथ थोड़ी आ गई। अरे आप टेंशन क्यों, ये देखो ना लीश बनाने का। ओके परफेक्ट ब्रो, सामान पड़ा हुआ पास, एक एक नीचे उसको रखो, क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रखो फटाफट। वेट मेरा क्राफ्टिंग फटाफट, क्राफ्टिंग टेबल को नीचे रखो। और उसके बाद यहाँ पर एक लीश बनाओ आप, मैं उसको पकड़ता हूँ। लेकिन कैसे यहाँ से इनको बाहर कैसे निकालेंगे, वो सबसे बड़ा मेन इश्यू है हमारे लिए। बिकॉज तुम लोग यहाँ पर अगर गौर से देखोगे ना, ये जगह टूटती नहीं है। देखो मैं यहाँ पर इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैन ये भी नहीं टूट रही है। रिबे हम लोग ने यहाँ पर एक्चुअली फंस चुके हैं मैन, हम लोग कैसे करके इस बिल्ले को बाहर निकालेंगे? हम लोग बहुत ही जल्दबाजी में काम करते हैं यार। यार इससे बड़े तो ड्रीम, हम लोग नीचे रहते हैं वहां पर ना, और वहां पर डिस्कस करते हैं कम से कम इस बिल्ले को कैसे बाहर निकालेंगे। हम लोग कितना जल्दी जल्दी काम करते हैं यार, फंस गए ब्रो। मेरे पास ब्रो एक आइडिया है, बट मेरे को नहीं पता वो काम करने वाला है या नहीं करने वाला, क्योंकि जहां भी अनब्रेकेबल टाइप वॉल्स होती है ना, मैंने उधर ट्राई करा वो काम करने का, बट उधर नहीं हुआ। पर मैंने जब कमांडर के विलेज में एक अनब्रेकेबल वॉल पे ट्राई करा तो वहां हो गया था, तो क्या पता कोई पॉसिबिलिटी हो कि यहाँ भी वो काम करें। भाई अगर ऐसा तो ट्राई करते हैं ना एक बार, मुझे बताओ तो सही ऐसा क्या है वो। वेट मैं आपको बना के दिखाता हूँ, सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको मैं। वेट भाई ब्रो, इस बिल्ले को आज यहाँ से बाहर निकाला है। निम्बे मेरे को लग रहा है वो दोनों कभी भी यहाँ पर वापस आ सकते हैं। अगर अगले 1-2 मिनट में नहीं होता ना ब्रो, तो हम लोगों को पर्ल मार के बाहर जाना पड़ेगा। कभी भी वो बंदे यहाँ पर, ओ माय गॉड, अरे भाई ये जगह ही खिसक गई, सीरियसली बता रहा हूँ, टूटती नहीं है। देखो मैं तोड़ रहा हूँ इसको, ये लिटरली नहीं टूट रही वाली दीवार, पर ब्लॉक खिसक गया। ड्रीमर अब यही सेम चीज इसके आगे वाले ब्लॉक पे भी करो। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा बिग ब्रेन स्ट्रेटजी थी यार, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे हमारे 2 ये हो चुके हैं, अब हमको क्या करना है, इस आगे वाले एक एक ब्लॉक को खिसकाना है। यहाँ पे छेद बन जाएगा, पानी डालकर हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकते फिर गाइस। देखो इधर, हाँ इस वाले पे पिस्टन होना चाहिए, लेकिन इसके ओके एक आइडिया मेरे पास, सुनो। यहाँ पर 2 ब्लॉक लगाओ पहले, नीचे 2 ब्लॉक, इधर की साइड ये लो, ये 2 ब्लॉक लग गए, और इसके पीछे 2 ब्लॉक लगाओ, इसके पीछे 2 ब्लॉक,
अब इसके ऊपर दो ब्लॉक लगाओ, इसके ऊपर दो ब्लॉक। अब क्या करना है, इन दोनों दीवारों को खिसकाना है हमने, सेम इसी तरीके से खिसकाओ जरा। वेट वेट वेट, अभी होएगा ना, सब कुछ मौज हो जाएगी। गाइस मैं अभी भी दिखा रहा हूँ तुम लोगों को भाई, ये काम एक्चुअली टूटता नहीं है भाई, यहाँ पर ये लिटरली बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, पर ये खिसक रहे है भाई। आप आर यू पक्का श्योर कि आपने हिमलैंड्स की मेन वॉल पे भी किया था जब फलाना जी ने किया था? हाँ भाई बिल्कुल करा था, वो नहीं हुआ था पर है ना, पर यहाँ पर हो गया। दिस इज नाइस यार, यो हमारा काम हो गया गाइस। अब आप क्या कर सकते हो रीम भाई, यहाँ पर आप यस, अब यहाँ पर पिस्टन लगाओ, वाला ब्लॉक खिसक okay. जाएगा एंड आई गेस हमको यहाँ पर आजादी मिल जाएगी ब्रो। यस, तोड़ो भाई सिस्टम को पूरा का पूरा। एंड अब बिल्ला जी कहाँ पे, ये बिल्ले का डर ही खत्म हो गया भाई, चल हमारे साथ, अब तू आजा बिल्ले हमारे साथ चलेगा। एंड अब क्या करने वालों मैं, यहाँ पर पानी, इनफैक्ट आप पानी प्लेस करो एंड देन यहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके, ओ माय गॉड, रुको, लेकिन मैं इसमें तैर नहीं पा रहा, आपको थोड़ा, आपको ऊपर वाले ब्लॉक पे पानी डालना पड़ेगा भाई, ऊपर वाले ब्लॉक पे, लेट्स गो। और अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ गाइस, तैर सकता हूँ और हमारा बिल्ला क्या मेरे साथ आएगा, बस बिल्ला आ रहा है, बिल्ला बिल्ला आ रहा है, खिसकाओ खिसकाओ उसको, खिसकाओ उसको, अरे चल बेटे आगे। अरे भाई साहब मेरी लीड टूट गई, ऊपर लीड लेकर आना भी यहाँ पे आप, ये बहुत जरूरी है गाइस, इसको यहाँ पे एकदम सेफली बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीरियसली। सुनो मेरे पास एक आइडिया ड्रीम भाई, हम लोग जो एक ब्लॉक के साथ कर रहे हैं और ब्लॉक से खिसकाते रहे भाई, हम लोग एक ब्लॉक खिसका के खुश पड़े हुए मैन। ओके वेट, मैं तो अंदर भी नहीं जा पा रहा भाई। सुनो आस पास के एक आधे ब्लॉक और खिसकाओ जरा जल्दी जल्दी, और लीड के साथ बिल्ले को पकड़ के रखना कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, लेट्स गो। पानी भी यहाँ से बाहर आ चुका, सुनो कुछ भी हो जाए बिल्ले से डिस्टेंस बना के रखना, आई मीन ज्यादा मत रखना, वरना क्या होगा लीड टूट जाएगी हमारी, बिल्ला खिसकना चाहिए बाहर। आजा बेटे आजा, मरेगा मरेगा प्लीज, ट्रिप पे फांसी लग जाएगी इसको, पानी के बीच लाओ उसको, पानी जल्दी आओ नीचे, जल्दी आप नीचे, जल्दी आओ आप नीचे जल्दी, यस बच गया। ओ माय गॉड, कहाँ है बिल्ला, आगे आगे नीचे 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 ना, बस ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मेरे को लीड पकड़ाओ जल्दी, अरे फांसी लगी भाई इसको, मर जाते हैं जानवर, आपको पता नहीं है क्या, अरे मेरे को लीड पकड़ाओ जल्दी, ओके आ गई, जल्दी पकड़ो जल्दी, भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा, ये ड्रीमर पागल है, ये भगा दिया था इसको, क्या ही करूं, जल्दी चलो यहाँ से, चल बेटा बिल्ले, माय गॉड बिल्ले, बेटे तू हमसे दूर नहीं जाएगा समझ, वही वाला बिल्ला, हाँ 303 वाला बिल्ला है, ओ माय गॉड, मेरे को लगा भाग गया भाई बिल्ला एक सेकंड के लिए, डर गया था। आपके पास और लीड नहीं है क्या पड़ी मेरे भाई, लीड बना के रखो ना, लीड कई बार टूट जाती है, खो जाती है, जल्दी बनाओ, और जब तक वो लोग वापस आएंगे उससे पहले हम लोगों को कम से कम 500 ब्लॉक दूर जाना है, अदरवाइज जो फलाना जी के जो डुप्लीकेट्स है ना वो हमको 110% यहाँ पे ढूंढने की कोशिश जरूर करने वाले हैं। लेट्स गो मैन, यो बिल्ला चोरी हो गया यार, बहुत ही ओपी आइडिया था वाला, विजर्ड ने हमको बताया बिल्ले को वहां बांधेंगे ना गाइस, एक्चुअली उसने मेरे को बताया कि बिल्ला है ना जो ये उसका पालतू बिल्ला है, और मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा प्यार है उस बंदे को इससे, हमारे होल अलग हो तो जो उसके डुप्लीकेट्स है ना उसको भी इससे बहुत ज्यादा प्यार है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे बिल्ले को हम लोग वहां पर बांधेंगे ना, वो लोग वहां से बाहर 110% आने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। आजा मेरे बिल्ले, पर बिल्ले की स्किन कितनी ज्यादा मस्त है, लगता कि चीता है भाई एक्चुअल में। अरे भाई कौन से रास्ते से आगे में, और आप बिल्ला साथ ही चल रहा है ठीक है, और मेरा बिल्ला बिल्ला मेरे को भी ऐसा मन कर रहा है एक फायर स्पेक्टर शॉर्टनेस के मुंह पे मार दूं बिल्ले के। अरे भाई ये क्या मारना थोड़ी है, प्रीशियस चीज है, अभी मार लिया, अभी तो बहुत प्रीशियस चीज है गाइस, बहुत ही ज्यादा, बट पता नहीं किसका तंदूरी बनाने का मन कर रहा है मेरे को कहा। ओके वहां पर है वो जगह गाइस, आराम, अरे नहीं 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 बिल्ले को नहीं, मैं कहां जाऊं, अरे बिल्कुल ध्यान नहीं, बिल्ला तो नीचे करके मर जाएगा, रुको यहां से लेके चलता है इसको, बिल्ले आराम चाहिए, अगर तू मरेगा तो जो हमारा आखिरी उम्मीद है ना होगा वालों को मारने की वो खत्म हो जाएगी मैन। यहाँ चलते आगे के लिए, यहाँ से देखो रास्ता बढ़िया है, बिल्ले आराम से आइयो भाई, और यहाँ से तो तू बड़े प्यार से आइयो, शाबाश लेट्स गो, इंटेलिजेंट है बिल्ला, बिल्ला इंटेलिजेंट है भाई, पर ये होगा लाला की जान है गाइस, बंदा वहां पर दो सिक्योरिटी गार्ड रखे थे उस बंदे ने मैन, इसको गार्ड करने के लिए, मुझे ट्रिप एक सेकंड के लिए लगा कि शायद से हो सकता है होगा लाला अंदर हो एंड अपने सिक्योरिटी के लिए उसने दो बंदे वहाँ पे रखे हुए, बट एक्चुअली ऐसा था नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना प्रेशियस है मतलब ये वाला बिल्ला। आपको क्या लगता है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए सिर्फ दो लौंडे खड़े करेगा, वो भी उससे कमजोर बंदे यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, वही ना, कितना दूर है भाई अभी, सुनो अगर लीज टूट गया ना मेरे हाथ से गलती है तो बिल्ला भाग जाएगा, ध्यान देना, इसीलिए तो पीछे बिल्ला है, आप पीछे पीछे रहो बस मेरे, आजा मेरे बिल्लू, आजा मेरे गंदा बिल्लू, चल अब तो मैं इसको भगा भगा के ले सकता हूँ। ओके विजर्ड कहाँ है, हेलो यो, अरे इधर ही कहीं होना, वो मौज मार रहा होगा, वेट आप ऐसा करो रिमे एक काम करो, यहाँ पर एक फेंस बनाओ फटाफट, मैं इस बिल्ले को फिर यहाँ पर पार्क करता हूँ, स्मार्टी भैया लेट्स गो, ये रही आपकी फेंस और इसमें भी इसे पार्क कर दो। रुको रुको रुको, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं भाई, थोड़ा सा दूर, इस जगह से दूर, ताकि वो अचानक से वापस ना जा सके, है ना, इसको यहाँ पर लगाऊंगा और
इस बिल्ले को यहाँ पे लगाएंगे। ब्रो लेट्स गो लेट्स गो। ओह माय गॉड, अब देखो यहाँ पर क्या होगा गाइस, वो यहाँ से बाहर आएंगे 110% इस बिल्ले के लिए। एंड जब वो इस बिल्ले के लिए आएंगे तो मैं सोच रहा हूँ ना आसपास कहीं पे छेद करके, आप ऐसा करो वहां पर जाओ पीछे जहाँ से अभी लोग आए थे ना उधर जाके छुप जाओ और ऑप्टिफाइन का सी दबाकर एकदम तैयार रहना अपने, मैं यहाँ पर छुपा रहूंगा। अरे भाई सब कुछ गिर गया ऊपर से यार, यहाँ पर ऐसा करते हैं ना फटाफट इस जगह को मैं ऐसा कुछ बनाता हूँ जिससे उस बंदे को बिल्कुल पता ही ना चले। एंड गाइस अब मैं यहाँ पर छुपा रहने वाला हूँ और यहाँ से मैं देखने वाला उस बंदे को, कोई भी एक बंदा वहां से बाहर आता है ना ड्रीम बॉय सुनो आपका काम होगा मेरे को बताना, जैसे ही बंदा अंदर से बाहर आएगा ना ब्रो मैं यहाँ पर इस गुफा के अंदर छुपा हूँ ठीक है ना, मैं सीधा भाग के जाऊंगा और मैं उसको, सुनो आपने मेरे को देख लिया मैं किस गुफा के अंदर छुपा हुआ हूँ, जब उस बंदे की पीठ मेरी साइड होगी ना ब्रो तो उस टाइम पे आपको मेरे को बोलना है ताकि मैं उसको नॉक बैक कर सकूं और उसको मैं उड़ा के दूसरी साइड के लिए फेंक सकूं, वो बंदा फिर से वापस नहीं जाना चाहिए भाई इस मिनिएचर उसके अंदर, समझ रहे ना मेरी बात। ओके मैन लेट्स गो, बहुत ज्यादा जरूरी है। अरे स्मार्टी भाई हमारी टेलीपोर्टेशन वॉन्ड तो वहीं रह गई। अरे गाइस एक्चुअली हम लोगों ने ना इससे पहले यहाँ पर पास में एक चेस्ट है ना जमीन के अंदर चेस्ट गाड़ी हुई है जिसके अंदर हमने अपनी टेलीपोर्टेशन वॉन्ड अंदर रख दी थी, जस्ट वी वॉन्ट टू मेक श्योर की भाई साहब वो चीज हमारे इन्वेंटरी से गायब नहीं होनी चाहिए या फिर कहीं ये बंदे उसको ट्रैक करके हमारे पीछे ना आ जाए, क्योंकि हमें लगा कहीं इसको ट्रैक ना कर पाए, मुझे पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमने उसको वहां पे छुपाया हुआ था। एंड ड्रीम में अभी हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली भाई उसकी, क्योंकि हमने अंदर नहीं जाना है और मेक श्योर करना है कि ये लोग भी अंदर ना जाए, अगर अलग अंदर फिर से चले गए ना फिर भाई बहुत मुश्किल हो जाने वाली है। वी हैव ओनली वन शॉट, एक आखिरी ट्राई है हमारे पास, अगर एक बंदा बाहर आके वापस अंदर चला गया ना सब कुछ खत्म हो जाएगा। सो ड्रीम भाई मेरे को बताना आपने ठीक है ना, एक तो मेक श्योर करना कि मतलब इसकी पीठ मेरी साइड ही होनी चाहिए ठीक है ना, बिल्कुल टाइमिंग में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए मैन। ओ माई गॉड स्मार्टी भाई वो बाहर आ गया है। आ गया, सुनो नजर बना के रखो क्या कर रहा है, मेरे को एग्जैक्ट बताते रहो, मैं अगर यहाँ पे स्निक भी करूंगा मुझे देख लेगा वो अभी होगा लाला। वेट वो डांस कर रहा है, होगा लाला आपकी साइड पीठ है, भाग के मारो है आपकी साइड पीठ है, भाग के मारो एकदम इधर के लिए आ रहा, कोई नहीं मैच को रोकूंगा, इधर के लिए आ रहा मैच को रोकूंगा। अरे बंदा जाने की कोशिश कर रहा है, इसके हाथ में टेलीपोर्टेशन वॉन्ड है, रुको नहीं नहीं जाने नहीं देना, यहाँ से पकड़े इसको, मैं जाने नहीं दूंगा अंदर भाई, मैं नहीं दूंगा जाने इसको आज, निकल यहाँ से। ओ भाई अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहा है बंदा भाई, यस यस अगर अंदर चला गया ना निकल यहाँ से, चला गया अंदर अंदर। ओ माय गॉड मुझे लगा अंदर चला गया एक सेकंड के लिए इसको। ओके जल्दी 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 ड्रीम जल्दी जल्दी, अरे दूसरा भी आ गया ब्रो, ओ माय गॉड दूसरा वाला भाई, तो दूसरा वाला तभी चला जाए बट ये नहीं जाना चाहिए, ये व्हाइट वाला नहीं जाना चाहिए कुछ बजाय। आजा पिंक वाले बेटे लड़ने आएगा तू, आजा आजा आजा। अरे गल तेरी, रुको 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 रुको, मैं इसको बजा रहा फिर से यहां पे। ओ माय गॉड निकारे पिंक वाले को लगने, अरे पिंक वाले को जाने दो कोई दिक्कत नहीं है, पिंक वाले को जाने दो, भाग गया भाग गया, कैप्चर करने वाला चला भाग रहा है, मैं जा रहा हूँ उसके पीछे, इस पिंक वाले को बनने दो, अगर अंदर जाता भी है ना हमें फर्क ही नहीं पड़ता भाई, हमने हमको सिर्फ एक ही बंदा चाहिए ब्रो हमको। अरे भाई वो बंदा बहुत दूर निकल गया यार, मेरे को ब्लॉक्स की जरूरत है यहाँ पर, पिंक वाला मेरे पीछे आ रहा है स्मार्टी भाई, इसको मारो इसकी टेंशन। सुनो ऐसा करते हैं ना, अगर दोनों हमसे लड़ेंगे तो मेक श्योर करते हैं कि व्हाइट वाला जिंदा रहे, ये व्हाइट वाला जिंदा रहे और पिंक वाला मर जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है ना भाई, मेरे पास एक्चुअली खाना नहीं है, मैं क्या ही मन दूं यार एक नंबर का, कोई नहीं मैं दे दूंगा मेरे पास आ जाओ आप। अरे वो बंदा कहाँ गया, पिंक वाला बंदा गायब हो गया, व्हाइट वाला यार पिंक वाला, इसको मार दो आप इसको मार दो, उस वाले बंदे को हम लोग कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल ही देंगे। मेरे को ये लग रहा है ना अगर हम लोग इस बंदे को मार देंगे ना ड्रीम भाई तो वो बंदा अपने आप ही आ जाएगा, उसका रिश्तेदार है क्योंकि उसका क्लोन है तो कुछ तो उसका लगता ही है ना बंदा, इसको लग नहीं रहे शॉट भाई, आजा अरे तेरी भैंस की आज इसकी अंतिम विदाई करने वाले इस सर्वर के ऊपर से, बेटा तेरी अंतिम विदाई है बेटे, हम तो कैसा लड़ेगा तू, हाँ मार दिया ब्रो, इतना आसानी के साथ मर गए बंदा यार, इजी इजी। बंदा वापस आके पीछे देखो मेरे पे यहाँ पे, अरे मेरे पे कुछ भी नहीं है, एक सेकंड रुको मेरे को यहाँ पे अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसको खाना पकड़ा मुझे जल्दी। एंड ड्रीम सुनो ये बंदे खाना खुना नहीं खाते है, हमने ना इनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा मारा हुआ है, इसके बाद आपने पता क्या करना है, इसके ऊपर कुछ भी हो जाए हमला नहीं करना है हमको, इसको नहीं मारना इस बंदे को ठीक है ना, खुद को आप हील करते रहो सिर्फ इसको मारना नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ मैं कहीं दूर जाकर ना इसके लिए ट्रैप बनाता हूँ, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास। स्मार्टी भाई मेरे पास पोर्शन ऑफ कंट्रोल पड़ा हुआ है अभी, अरे तो मेरे को पकड़ा उसको आप, मेरे को ऐसा करते हैं ना सुनो
इस बंदे के ऊपर पोर्शन ऑफ कंट्रोल फेंक देंगे, ये बंदा दो मिनट के लिए कंट्रोल में आ जाएगा, है ना। उसने बोला था कि ये बंदा दो मिनट के लिए एक, अरे भाई साहब ये मार देगा मेरे को, ये बंदा दो मिनट के लिए पोर्शन ऑफ कंट्रोल से। इसके होता है कि ये बंदा एकदम शांत हो जाता है और इसके आसपास हम लोग जेल बना देंगे। क्राइंग ऑब्सीडेंट पड़ा आपके पास? यस हां ब्रो पड़ा है। क्राइंग ऑब्सीडेंट कितना चाहिए? बस ठीक है, मेरे को आपका पोर्शन ऑफ कंट्रोल फेंको, जल्दी आओ मेरे पास, इधर आओ स्मार्ट भाई, ये लो पोर्शन ऑफ कंट्रोल, लेट्स गो लेट्स गो। अब एक काम करना है मेरे को, एक बढ़िया सा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर मैं इसके ऊपर फेंक सकता हूं। अगर ये पोर्शन ऑफ कंट्रोल कहीं गलत जगह पे पड़ गया और ये बंदा यहां पर हमारे कंट्रोल में नहीं आया तो हो जाएगी दिक्कत बहुत बड़ी, क्योंकि एक ही हमारे पास ऐसे पड़ा हुआ। ओ माय गॉड कहां है ये बंदा? ओके मेरे पास एक प्लान है दिन भाई, आप इस बंदे को संभाल के रखो अपने पास, ठीक है ना। मैं ऊपर जा रहा हूँ, अगर उस पहाड़ के ऊपर मेरे को मारना आएगा तो वहां पर मैं इसके ऊपर पोर्शन ऑफ कंट्रोल मार सकता हूँ, खुले में नहीं मार सकता मैं, अरे परे गिर जाएगा नहीं तो मेरे से ये, और फिर दिक्कत हो जाएगी। और दैट्स ग्रेट भाई, ये बंदा मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान देना ड्रीम भाई, ठीक है ना, बिल्कुल संभाल के रखो मेरे पीछे, रखो इसको अपने पीछे रखो इसको आप। ओ मार जरा तेरी ऐसी तैसी ले बेटे, लेट्स गो अब आ जाओ इधर के लिए, मैं यहां पर ऊपर, कहां हो आप लोग? वेट आई हैव नो आईडिया, बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ऊपर के लिए आपको जहां पर काला काला सा बना हुआ, जल्दी आओ इधर, प्लीज यहाँ पर एक छोटा सा खोपचा है ना, ओ माय गॉड यहाँ पर मैं इसके ऊपर पोर्शन ऑफ कंट्रोल मार सकता हूँ इजीली, मुझे नहीं पता ये बंदा तो मेरे पीछे आ गया। आप हील करो, आप हील करो, आप हील करो हमारी, जय माता दी जय माता दी जय माता दी। स्मार्ट बेबी मैं पहुंच गया, आप संभाल के रखो उसे, आ गया उसको मारना मत, आजा आजा, आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि पोर्शन ऑफ कंट्रोल मेरे को ना बजे, बिकॉज मुझे नहीं पता कि अगर मेरे को बजेगा तो क्या होगा। निकल 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 निकल, ओह माय गॉड मरने का नहीं है स्मार्ट भाई, ओ भाई नीचे गिरा दिए इसने मेरे को, मेरे ब्लॉक वेस्ट हो रहे हैं भाई साहब, लेट्स गो लेट्स गो, नो 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 नो, निकल, ओ माय गॉड निकल, ओ माय गॉड, ओ अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अभी मैं इसको मार दूंगा, अभी मैं इसको मार दूंगा, ये बजा इसको, इसके टकले में बजा वो शॉट, कंट्रोल में आ गया। सुनो आपके वो पड़े हैं ना, मेरे पास क्रैंक ऑब्सीडियन है, जल्दी दो मेरे को, अब पता क्या करना पड़ेगा हमको यहाँ पे ना, ये बंदा दो मिनट के लिए खड़ा रहेगा यहाँ पे, जल्दी लो जल्दी लो, आसपास के सारे ब्लॉक्स खोदो, इसके इन्वेंटरी पे चला जाएंगे, आप कहाँ दे रहे हो मेरे भाई, यहाँ साइड में दो मेरे को भाई साहब, और परफेक्ट है हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड वेस्ट हो चुके हैं हमारे, लाइक सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा करो ये सारे के सारे ब्लॉक तोड़ो रहे पड़े गए सारे तोड़े वाले, ठीक है हमको क्या करना है अब, यहाँ पर इसके आसपास जेल बनानी है, ट्रैप के अंदर इसको डाल नहीं सकते तो इसके आसपास ट्रैप तो बना सकते हैं ना भाई खड़े खड़े, अभी रुको आपने कुछ छेड़ना मत यहाँ पे दादा, इसके सबसे नीचे वाले पे क्राइंग ऑब्सीडियन है ना, और इसके साइड पे यहाँ पे मैं यहाँ पे क्राइंग ऑब्सीडियन की वॉल बनाने वाला हूँ। अरे मेरे को आपने सिर्फ 11 क्राइंग ऑब्सीडियन दिए मेरे भाई, इतने ही आपके पास, बेस्ट हो गया बेस्ट हो गया, अभी रुको 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 रुको, ये बंदा यहाँ से एस्केप कर जाएगा मेरे को पूरा यकीन है, तो जिसके वॉल है ना नीचे की, उस वॉल को भी हमको यही बनाना है, देखो आप इसके नीचे वाले को तोड़ो ब्लॉक को, ये बंदा ऐसे नीचे गिर जाएगा, बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ भाई, बंद कर दो बाहर जाओ भाई बाहर जाओ भाई, हो गया हो गया ब्रो। गाइस हमको यहाँ पे जेल आई मीन ट्रैप बनाने की जरूरत ही पड़ी, बंदे को कैप्चर किया उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने जेल बना दिया, दिस इज नेक्स्ट लेवल ब्रो, लेट्स डू इट, दिस इज नेक्स्ट लेवल। अब बस एक काम करना है हमको यहाँ पर, गाइस हमको सिर्फ उसे उसको लेकर आना है हमारा जो क्या नाम है उसका विजर्ड को, एंड विजर्ड इससे बात करेगा, लेकिन विजर्ड है कहाँ है, आपने देखा उस विजर्ड को? नहीं भाई वो तो पूरे टाइम में था ही नहीं, वो बंदा गायब है, वो सीरियसली बंदा गायब है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, ये बहुत ही ज्यादा वीर्ड बात है ब्रो। एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा है मेरे को इस कमांडर के पास जाना पड़ेगा उससे बात करने के लिए, एंड सुनो इस जगह के कोऑर्डिनेट आप नोट करके रखो ठीक है ना, ये बंदा कहीं बाहर जा नहीं सकता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये बंदा क्राइंग ऑब्सीडियन के अंदर ढका हुआ है ब्रो। भाई फटाफट चलते आप कमांडर, ये ब्रो ब्रो भाई बाहर मौसम साफ है, वेट ओ माई गॉड ब्रो वो बंदा अंदर उठ गया होगा पक्का, मुझे पता क्या लग रहा है डिन भाई, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये अपने बाकी बंदों को सिग्नल दे रहा है कि मैं यहाँ पर कैप्चर्ड हूँ, यो निकलो यहाँ से अभी फिलहाल को, और एक बार बस विजर्ड को फटाफट लेकर आते हैं, इनके विजर्ड को यहाँ पर लेकर आने के बाद वो इससे बात करेगा और इससे इन्फॉर्मेशन निकालेगा। अरे सुनो हाँ आपके वो पोर्शन ऑफ पीस है ना पड़ा हुआ? है मेरे पास बिल्कुल है पोर्शन ऑफ पीस, बस अपने पास निकाल कर रखना उसको, अगर हम लोगों ने गाइस पहले पोर्शन ऑफ पीस इसके ऊपर मार दिया तो ये बंदा हमारी टीम में आ जाएगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसका जो दिमाग है ना, ये बेसिकली पोर्शन ऑफ पीस काम कैसे करता है, विजर्ड ने बताया था मेरे को ड्रीम बॉय कि ये क्या करने वाला है, इस बंदे की जो पास्ट मेमोरी है ना वो सारी सारी खत्म हो जाएगी, तो जो भी इसको यहाँ पर होगा लाला ने ट्रेनिंग दी हुई है ना ब्रो वो सब ये भूल जाने वाला है और एक नए तय से शुरुआत करने वाला अपने जीवन की ब्रो, एंड देन
ये बंदा हमारा चेला बन जाएगा, समझ रहे ना आप? इस डायरेक्शन में आता है, मेरे पीछे बैठो जल्दी जल्दी और चलते हमारे कमांडर के पास। तो गाइस अगर हम लोगों ने अभी इस बंदे को पुशर पीस मार दिया ना, तो ये बंदा ऑलरेडी भूल जाएगा कि वो बंदा कौन सा है जो मिला हुआ होगलाला के साथ, जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। फटाफट चलते भाई हमारे कमांडर के पास यार। और गए तो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं भाई, मेरे को बहुत सारा गुस्सा आ रहा है एक्चुअली यार। ये विज़र्ड का बच्चा पता नहीं कहीं चिल मारने गया हुआ था यार, उस विज़र्ड को पता था। हम लोगों ने, याद होगा तुम लोगों को, इस बंदे को पकड़ने के लिए स्पेशली 6 बुक्स के सेट लेकर आया था मैं, एंड उसने वहां पर वो एंशिएंट लैंग्वेज सीखी उस बंदे से बात करने के, और बंदा खुद ही गायब हो गया यार। मतलब बहुत ही गलत बात है यार, हमने इतना बड़ा खतरा उठाया है और वो बताओ गेड़िया मार रहा है। वो बंदा पता नहीं कहाँ पर गेड़िया मार रहा है यार, दिस इज रॉन्ग यार। मेरे को एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है, अगर मेरे को अभी यहाँ पर इस विलेज के अंदर मिला ना, तो बस विज़र्ड के खसे रखने वाले। यहाँ पर इतनी इमरजेंसी लगी हुई है हमारी यार, मतलब हम सोचे कि जल्द से जल्द होगा लाला का चैप्टर खत्म करते हैं, और वो बंदा कहीं पे यहाँ पर गेड़िया मारने गया, पता नहीं कहाँ पर है। यहाँ पर है कि नहीं ये? नहीं, यहाँ पर अकेला कमांडर है हमारा। एक सेकंड रुको भाई, मैं कमांडर से बात करके आता हूँ गाइस, पूछता हूँ जरा इस बंदे से मैं कि भाई क्या सीन है ये। सो गाइस मैंने यहाँ पर अभी अभी इस कमांडर से बात करी, कमांडर मुझे पता क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर विज़र्ड नहीं आया, एक भी बार नहीं आया। और इस बंदे ने मेरे को बस एक बात यहाँ पर बोली कि अगर वो बंदा ऐसे गायब है ना, उसके दो ही मतलब हो सकता है, या तो फिर वो किसी मुसीबत में है, जो कि इसने बोला कि लाइक 10% चांस है ज्यादा से ज्यादा उसके मुसीबत है फंसने के, वो बहुत ही तेज बंदा है, या तो उसके अलावा वो एक ऐसी जगह पर जाता है, इसने मेरे को बताया अंडरग्राउंड लाइक कुछ ऐसे लश केव टाइप कुछ ऐसी केव्स है जहां पर वो बंदा हमेशा चिल मारने के लिए जाता है, तो वो बंदा वहां पर मुझे मिल सकता है अभी और इसी वक्त, तो वो 110% वहीं पर मिलने वाला है, इस समय को बोला। तो ड्रीम भाई अब आप एक काम करो, मैं रिस्क नहीं लेने वाला बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा करो उसके पुराने वाले विलेज के अंदर जाओ अभी और इसी वक्त, ठीक है, जहां से जहां पर हम लोगों की फर्स्ट टाइम पर उससे फाइट हुई थी, जहां उसने मुझे जेल में डाला था, याद होगा आपको, आप वहां पर जाओ और मैं जाने वाला हूँ उस अंडरग्राउंड लश केव में उसको ढूंढने के लिए यार, उस बंदे को ढूंढना जरूरी है गाइस, बिकॉज अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग उस बंदे से इन्फॉर्मेशन ही नहीं निकाल पाएंगे यार, और इसने मेरे को बताया कि इस डायरेक्शन में आने वाले वो लश केव्स। और यार ये बंदा ना जो हमारा विज़र्ड है गाइस, इतना ज्यादा लापरवाह हो नहीं सकता है, इस बंदे को पता है हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही तगड़े वाला एजेंडा इस वक्त चला रहे हैं होगलालों को कैप्चर करने का, बट ये बंदा ऐसे टाइम पर गायब हो चुका है, मेरे को ना इस बात पे थोड़ा सा यकीन नहीं हो रहा यार, मतलब ये बंदा एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंसियर बंदा है यार, अगर ये बंदा इस वक्त यहाँ पर गायब हो चुका है तो हो सकता है इसकी एक्चुअली किसी मुसीबत में फंस गया हो। तो कैसे ऐसा करता है, फटाफट उस केव के पास चलते हैं एंड देखते हैं कि भाई ये बंदा वहां पर है भी कि नहीं है यार। ओ माई गॉड, ये है वो वाला गड्ढा, यो तुम लोग देख रहे हो गाइस यहाँ पे, और यहाँ पर नीचे इस पर्टिकुलर जगह पे वो बंदा हमको मिलने वाला है, लेट्स गो। ओके ओके, ओ भाई इससे डराया मेरे को यार, अभी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ तुम लोगों को, इस बदसूरत ने मेरे को डराया अभी अभी यहाँ पे। तो ये जगह एक्चुअली काफी सारा मैजिकल टाइप है ना, देखो ऊपर एक गड्ढा ऐसा होकर रखा हुआ है, और यही है वो वाली केव, मेरे को एक्चुअली लगा था कोई लश केव टाइप होगी, ऐसी गहरी गुफाएं होती है ना नीचे हमारे वर्ल्ड्स के। यो ये वाली जो स्कल है गाइस एकदम ऐसी रियलिस्टिक जैसे स्कल्स है यार, अपना विज़र्ड भाई एकदम जगह, अच्छा मेरे को लगा यहाँ से आगे जाने की जगह है, मैं तो डर ही गया था। मैं बोल रहा था गाइस कि अपना जो विज़र्ड है वो एकदम ऐसा ओपी बंदा है यार एक्चुअली। ओके वहां पर कुछ तो लिखा हुआ है, मैं उसको देखने वाला हूँ, बट गाइस एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि अभी इस वक्त यार यहाँ पर हमारा वो विज़र्ड है नहीं है यार, इस जगह पे पता नहीं वही वो बंदा कहाँ चला गया यार। एंड यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गो बैक होगा लाला हो नो वेस, इसका मतलब है गाइस कि हमारा जो विज़र्ड है उसको होगा लाला ने कैप्चर कर दिया है। ओ माय गॉड,